देहरादून में भर्ती घोटालों की जांच की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज चुकी है। इसके विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बेरोजगार युवा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस ने बेरोजगार युवाओं पर लाठी चार्ज कर दिया। युवाओं की आवाज दबाने का निंदनीय काम किया गया। देवप्रयाग से भगवान सिंह की रिपोर्ट। ये मैंने एक उदाहरण दिया था कि आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि 11 करोड़ लोगों को हमने जल नल योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया, और कल जब लोकसभा में बोल रहे थे तो 8 करोड़ उन्होंने बोला, जिसका वीडियो सबके सामने है कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कल रात को जिस प्रकार से गांधी पार्क में हमारे युवाओं के साथ, हमारे बेटियों के साथ, बच्चों के साथ जिस प्रकार से पुलिस के माध्यम से सरकार ने ये प्रताड़ना उन्हें दी है, खींच कर घसीट कर उनको वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए मना करने के एवज में जो प्रताड़ना उन्हें की गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा के आप ये प्रिंसिपल्स कह लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के विषय जो ख्याल था वो सबकी इज्जत था, सब में प्रेम था, महिलाओं का आदर और सत्कार था, जातियों के बीच में भेदभाव मिटाना था हमें, धर्मों के बीच में भेदभाव मिटाना था, तो ये सब जो भाजपा में हो रहा है, चुनाव में देख लीजिए या फिर इम्तिहान हो रखे हैं, जो भर्तियां हो रखी हैं, हर चीज में ये उल्टा कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि भाई आप जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था, इस तरह से उन्होंने कल जो जघन्य अपराध है, जिस तरह से लड़कियों को घसीट के वो ले जा रहे थे, एक जघन्य अपराध है।